दिल्ली दे बेस्ट फेयर आए हैगे जिन्होंने सितंबर अक्टूबर नवंबर विच जाना हैगा जे अराउंड $1700 रिटर्न विद द वन स्टॉप दे नाल हैगे या जिन्होंने जाना हैगा जनवरी फरवरी मार्च उन्होंने वास्ते भी गुड फेयर अवेलेबल हैगे वो सानू कॉल कर सकते हैं। साडा नंबर हैगा 9052397711। एदे नाल साडे कोल क्यूबा मैक्सीको डिजनी दे पैकेज भी वधिया अवेलेबल हैगे जिन्होंने अपनी फैमिली दे नाल बच्चियां दे नाल जाना हैगा तो तुसीं सानू उहदे वास्ते कॉल कर सकते हैगे 9052397711। थैंक्स बाय। Virtually Entertainment presents Jawan. ये तो शुरुआत है। Good to go, girls. The King Khan SRK is back in and as Jawan, co-starred with Nayanthara, Vijay Sethupathi, and special appearance Deepika Padukone. नाम तो सुना होगा। Watch Jawan, a Yash Raj release in theaters near you. Tickets on sale now. अवतार संधू ब्रैम्पटन च लेके आए ने रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी रेजिडेंशियल कमर्शियल रियल एस्टेट विच जे चाहुंदे हो वधिया ग्रोथ ते हाई सक्सेस रेट तां जॉइन करो रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी ब्रोकरेज दे नाल जेड़े प्रोवाइड कर देने ऑन गोइंग कोचिंग स्ट्रॉन्ग लीड जनरेशन एंड इन पर्सन हेल्प रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी ब्रोकरेज हायर कर रहे ने नवे अते तजर्बेकार एजेंट्स कॉल अवतार संधू ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड टू जॉइन कॉल एट 9057896700 9057999 स्टार्ट सौ रियल एस्टेट दी दुनिया विच छा जाओ रॉयल लिपिज ग्रैंड रियल्टी ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ। इंसुलिन शुरू करने बारे सोच रहे हो ट्रसेबा दिन विच एक बार लिती जान वाली इंसुलिन है जो खुराक लैण दा लचकदार समा पेश करदी है इन्ना लंबा के खुराकां दे विचकार घट्टो घट 8 घंटे दा वक्फा हुंदा है अते ट्रसेबा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जिस दी कैनेडा दे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट द्वारा सब तों ज्यादा तजवीज कीती जांदी है। अपने डॉक्टर नूं पुछो कि ट्रसेबा तुहाडे वास्ते सही है अते nowready.ca ते जाओ। You're listening to CIRF 1350 AM Brampton Radio Humsafar. आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM. अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान तो पांचो मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकेंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है तो कॉल कीजिए और पांशु मान को 416-302-5776 416-302-5776 अब कोई और रखेगा किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए चाहे वो रियल एस्टेट हो इमिग्रेशन फैमिली मैटर्स स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो कॉल कीजिए युगेश मेंड्रा को 9055815757 905-581-5757 या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyaslaw.com। मम्मा इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए मग लेकर आऊंगी। अच्छा जी तो ठीक है इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट इन पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन पीकॉक फैदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808. मॉम भूख लग रही है आइसक्रीम खानी है। बंटी वी आर लो ऑन गैस गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे आइसक्रीम मैंगो लस्सी स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा दे आल्सो हैव अ गैस स्टेशन देयर। रियली चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। नेविगेटर्स कैफे द हाउस ऑफ आलू पैटी मसाला चाय एंड फ्यूल एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ क्वीन स्ट्रीट एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। थैंक यू मॉम यू आर द बेस्ट। Actually, Navigator's Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigator's Cafe. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ
और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. Canada mein hone wali har khaas khabar pe nazar rakhiye Hindi Times Media ke saath, jo ghar baithe aapko har khaas khabar pahunchaye, wo bhi हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं 1350 AM रेडियो हम सफर पर, अपना रेडियो हिंदी टाइम्स का साथ आपके साथ बना रहेगा 7 बजे तक। और दोस्तों, समय होता है कुछ समाचारों का, और हमारे साथ हमारे प्रिय श्रोता, अभी परम मैं शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, बलदेव जी जुड़ गए हैं, क्योंकि बीच में इन्होंने कई बार बोल जाते हैं भावावेश में, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, जिंदगी में हम कुछ भी बोलते हैं और मैं मानता हूं कि बोलिए और उसको दुरुस्त भी कीजिए, ये सारी चीजें होती है। लेकिन आज का विषय वस्तु मैं जरूर बता दूं आप सभी लोगों को कि शुक्रवार को हमने एक प्रोग्राम किया, शुक्रवार को जो प्रोग्राम किया गया यहां पर, आवासीय संकट यानी हाउसिंग जो प्रॉब्लम यहां पर कनाडा में बढ़ी है, और कनाडा को इससे भी बड़ी ऑन्टेरियो की अगर हम बात करें, स्टीव क्लार्क जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज दे दिया है इस्तीफा, दे दिया उन्होंने आज त्याग पत्र। तो आए थे वो मर्ज ढूंढने, हाउसिंग समस्या का इलाज ढूंढने, 1.5 मिलियन घर उनको बनाने थे, 1.5 मिलियन को छोड़िए उनको खुद ही जाना पड़ा, उनके सेक्रेटरी को जाना पड़ा, और फोर्थ सरकार प्रॉब्लम में है और जनता तो और भी, जो उम्मीद लग रही थी क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। बलदेव जी बने रहिए हमारे साथ में, हम जरूर चाहेंगे, लेकिन आज की जो सुर्खियां हैं मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोगों तक दोस्तों आज की सुर्खियां पहुंचा देते हैं, और सुर्खियों के पश्चात में हम लोग आज के विषय के ऊपर पूरी तौर पर इस पर बात करेंगे। एक बार फिर से बता दूं, स्टूडियो का नंबर है दोस्तों 9056011350, यानी 905-601-1350 है आज का आज का नहीं, माफ चाहूंगा, कई बार हम लोग बोलने में सोचते भी नहीं है कि क्या है। तो आज की जो बात हम करें, आज के खबरें जो है 4 सितंबर की, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे हम, और उसके पश्चात में हम लोग आज के विषय वस्तु के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे। और आपको पूरी आजादी है बोलने की, पूरी बोलिए, सिर्फ एक ही चीज का निवेदन, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को ना ठेस पहुंचाई जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग संवेदनशील हो गए, इतने संवेदनशील हो गए कि अगर कबीर अगर आज होते तो पक्की बात जेल में होते या फांसी पर चला दिए गए होते धार्मिक भावनाओं को आहत करने में, लेकिन कबीर की बात कबीर है। आज के समय में हम सभी लोगों को थोड़ा सा सतर्क होकर के रहने की आवश्यकता है। चलते हैं आज के सुर्खियों की ओर। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। तो दोस्तों, समय हो चुका है कि आज आप आज की खबरें आपको दी जाएं, फिर खबरें ली जाएंगी, सड़कें वैसे सुनी पड़ी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं कनाडा की सुर्खियों से। ऑटवा में मातम में बदली खुशियां, विवाह समारोह के बाहर हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 6 लोग हुए घायल। ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में भीषण गर्मी की चेतावनी, 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान। आपसी व्यापार और संबंध निर्माण के लिए एशिया रवाना हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत का करेंगे दौरा। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच वित्त मंत्री क्रिस्टीना
फ्रीलैंड ने वेल्थ वन बैंक ऑफ कनाडा के को संस्थापक निवेशकों की हिस्सेदारी बेचने का दिया आदेश और आपसी विवाद के कारण संकट में ओंटारियो की बैटरी रिसाइकलिंग प्रणाली मध्यस्थता में जुटा पर्यावरण मंत्रालय और आठवां ट्रकर्स कॉन्वॉय के आयोजकों तमारा लिच और क्रिस बारबरा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की तैयारी आरोपियों ने खुद को बताया निर्दोष। और भारत और कनाडा के बीच में ट्रेड संबंध हुए हॉल्ट यानी व्यापार संबंधों को तत्काल समय के लिए कुछ समय के लिए रोका है। ऑटवा ने ये जानकारी दी है भारत के हाई कमिश्नर से संजय वर्मा जी ने। और चलते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर। जिम्बाब्वे के नव निर्वाचित राष्ट्रपति एमरसन मांगनावा ने ली शपथ, पूरा करेंगे लगातार दूसरा कार्यकाल। नाइजीरिया की मस्जिद में ताबड़तोड़ फायरिंग, नमाज पढ़ रहे 7 लोगों की मौत, कई घायल। विश्व के लिए मार्गदर्शन बनी दुबई की हरित क्रांति, हरियाला में बदला त्रेतों के टीले से घिरा शहर और बलूचिस्तान में पुलिस ने हिंसा के खिलाफ चलाया अभियान। 8 आतंकी ढेर, हवाई द्वीप माउई में जंगल की आग से कम 385 लोग लापता, 3000 से अधिक लोग सुरक्षित मिले। और भारत की सुर्खियों में दोस्तों कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार, देश और राज्यों पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक से संबंधित चीन और पाकिस्तान की आपत्तियों को किया खारिज, बोले भारत 2047 तक होगा विकसित राष्ट्र। और इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 ने अंतरिक्ष में लगाई छलांग, नए ऑर्बिट में हुआ स्थापित। और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के तेवर तल्ख, कहा उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता। और सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रिटायर्ड कर्नल नेक्टार संजयन बम को मिली मणिपुर की जिम्मेदारी, पिछले 5 दिनों में जा चुके मणिपुर में 12 लोगों की जान। और खेल जगत में कोलंबस क्रू ने CF मॉन्ट्रियल को 4-2 से हराया, कुचो हर्नांडेज ने लगाई हैट्रिक। 10 सितंबर को न्यूयॉर्क रेडबुल से होगा अगला मुकाबला। और कैनेडा की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई, फीबा विश्व कप में स्पेन को 88-85 से हराया। और एशिया कप में भारत ने नेपाल को 10 विकेटों से दी है आज मात और पहुंच गया है क्वालिफायर मुकाबले में। और व्यापार जगत की सुर्खियों में अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन में शामिल हुए भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा भारत में 2035 तक हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 42.5 करोड़ होने का अनुमान। एलन मस्क ने किया ऐलान, अब एक्स पर केवल वेरीफाइड और प्रीमियर यूजर्स ही ले पाएंगे पोल में हिस्सा, राजनीतिक विज्ञापनों को मिलेगी अनुमति। और मनोरंजन जगत में फिल्म जवान की एडवांस बुकिंग भारत में प्रारंभ, शाहरुख खान ने वीडियो साझा कर दी जानकारी, 7 सितंबर को होगी रिलीज फिल्म। और विद्या बालन की मर्डर मिस्ट्री फिल्म नियत OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज, CBI अधिकारी के रूप में नजर आई विद्या बालन। तो दोस्तों समाचार होते हैं यहीं पर समाप्त और स्वागत करते हैं बलदेव जी का। बलदेव जी स्वागत है आपका। भैया सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। चलिए दोस्तों अपनी बात सॉरी जिसको लोगों को समझ नहीं लगी, जिसने मतलब गलत समझा ना जी, कोई बात नहीं। आप अगर अगर सॉरी बोल रहे हैं तो ये बात ठीक है। मैं सॉरी तो मंग ली जी, पर मैं गीता दे 5 क्वेश्चन करूंगा जिन्हें जेडे कॉलर सी ना मैनू उत्तर देण उस सवालों का। मैं 4-5 तुहानू पूछ चुका। चलो एक आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप पूछिए, मैं कोशिश करता हूं। माफी मिल जाए हां, मैं खोज करके लेना, मैं तो अपने साढ़े सिरकों भी कृपानधारी बन जाए, उन्होंने उत्तर नहीं आने आज का सब्जेक्ट। चलिए आप एक बात बताइए, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं अपनी बात कहूंगा, बोलिए। मैं 4 पंडितों नु फोन भी कीते ते एक पंडित नु मिल भी गया सीगा। ओके, मैं गीता दे उदे दा स्टडी कर रहा सी। हां हां, मैं कहा मैनू आ दसो श्लोक दा मतलब, कहंदे तेरे को क्या लेना देना, तेरे को लेना देना, मतलब तू पंडित कहदे हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उनका उनका, उनका काम है बताने का, उनका काम है बताने का, सिख ठीक कह रहे हैं, उनका काम है बताने का कि अगर अगर आपको नहीं पता तो उनका काम है। मेरे पास हिंदू धर्म का बड़ा अल्प ज्ञान है, थोड़ा सा ही है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि अगर आपको सवाल है तो आपका उत्तर दे पाएंगे। गीता से निकल गया जेडे कहने ना ये ते आके माफी मांगे माफी मांगे उन्होंने मेरे ना करायो एयर पे। देखिए आप आ नहीं रहे हैं, लाइव प्रोग्राम है बलदेव जी, आपका सवाल क्या है ये बताइए। आज मुद्दा हो रहा है हाँ, चलिए अच्छी बात है। आप देखिए मैं छोटी सी बात आपसे कहूंगा, बड़ी प्यारी बात है, वो ये है कि कभी भी अगर
कि आप जाने अनजाने में, कई बार हम अनजाने में हमारी नियत नहीं है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप इस ढंग के, मैं आपसे मिला हूं एक नहीं अनेकों बार मिला हूं और आप अच्छे इंसान हैं, आप जानबूझकर किसी की भावनाओं का ठेस, लेकिन कई बार शब्दों में या जबान फिसल जाती है, हमारा मतलब नहीं होता है और तो होता है, मैं इस बात को समझता हूं। सभी से तो जितने श्रोता हैं सबसे तो मेरी मुलाकात होती नहीं, लेकिन आपसे हुई है तो इस लिहाज से पर्सनली आपके लिए मैं बोल सकता हूं। साहब मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए पंडित जी जरूर लेके आऊंगा, लेकिन आपका सवाल क्या है इतनी देर से बोल रहे हैं? मैं घट बात थोड़े फोन करा करूंगा, मैंने लोग आपका सवाल क्या है, आपका सवाल क्या है? बार मेरा कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है लोगों ना गीता, ठीक है सुनिए, अब उनको ज्ञान नहीं, आपका सवाल कोई नहीं है इसके बारे में, आप जो आपने पंडितों को फोन किया था किस लिए फोन किया था? मैं पांच श्लोक क्या है उत्तर दो, कौन सा श्लोक है बताइए? अच्छा बाद में आपने बताना है, देखिए कोई गीता, देखिए एक बात चलिए, अब सुनिए सुनिए, मैं सवाल इस बात का कि देखिए एक बात बता दूं मैं छोटी सी आपको कि रेडियो पर लाइव हैं आप, मैं भी लाइव हूँ, लोग भी मेरे को भी गुस्सा चढ़े ना, अरे सुनिए शांति से कहा जाए वो उसके बारे में कोई गुस्सा, देखिए कभी डिस्कशन में अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमेशा हम लूज करते हैं, हमेशा लूज करते हैं। हम जो मूवी में देखा ऑपरेशन बारे वही बोला, मूवी में बहुत, देखिए हिंदी मूवी अब मुझे जो हिंदी मैं समझ सकता हूँ, आप ठीक है रोको उनको बोलो जी, कौन सी फिल्म देखी थी आपने? देखिए आप कोई फिल्म बताएंगे तो मैं बता सकता हूँ, बहरहाल चलिए चलिए आते हैं आज के आज का मुद्दा शुरू करो, मेरा खत्म करवाने, धन्यवाद। आज के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप ये बताएं, आज मुद्दा बेटा तुझे करना शुरू कर लो। मैं चलिए, तो भाई बलदेव जी आए दोस्तों, बलदेव जी ने साफ उनका कहना कि अपनी जगह पर कि उन जिन लोगों ने भी उनसे कहा उनको एहसास है इस बात का, उन्होंने सॉरी बोला है, माफी मांगी है, तो इस लिहाज से बात यहां पर एंड कर देते हैं। और उन्होंने जो भी फिल्में देखी होंगी तो दिस इज, ये सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज के समय में स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 है और आज के समय में सबसे बड़ा इशू क्या है, वो इशू यही है कि जो इतना ज़्यादा ज्ञान सोकाल दिया जा रहा है उस, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, उस वो ज्ञान नहीं है। आपको गीता भगवत श्रीमद भगवत गीता की बात हो रही है, महाभारत की बात हो रही है, रामायण की बात हो रही है, गुरु ग्रंथ साहब आपको नहीं पता, उस जिस वक्त में लिखी गई उस वक्त में भाषा उसका मतलब तो कम से कम जान लीजिए, पढ़ लीजिए खूब मुतमईन, जिसे कहा जाता है उर्दू में, या अपने ऊपर पूरा कि भाई कोई शंका आपको ना रहे, फिर भी इसकी गुंजाइश रखिए कि हो सकता है आपको जो जानकारी मिली पूरी तरह से सही नहीं है। दोस्तों संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, तमिल भी मानी जाती है, और उन भाषाओं में उस समय के शब्दों के अभिप्राय, शब्दों के मतलब समय समय पर बदलते भी हैं। हम जिस चीज़ को जिन अर्थों में लेते हैं उसका मतलब, आज हम बात करते हैं दोस्तों, विषयांतर हो रहा है लेकिन फिर भी स्टूडियो आपका है, रेडियो प्रोग्राम आपका है, आप बोल सकते हैं। और मुझे पता है कि आज की तारीख में मतलब आज 4 सितंबर को रोड के ऊपर बड़े कम हमारे, मैंने देखा कि सभी लोग लेबर डे की छुट्टी मना रहे हैं, लेबर डे के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको जो मूल बात कहना चाहता हूँ कि आज के समय में जो आप लोग नॉलेज खुद ले रहे हैं या बच्चों को ले रहे हैं वो इतना भ्रामक है, इतना कंफ्यूजिंग है कि कहीं ये अपने आप में तकलीफ पैदा कर रहा है समाज में। नई जानकारी है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसके लिए जानिए, यहां पर सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा ला करके उस बात को सही रूप में देने की, हमारी सबसे ये एक मुद्दा है अपने आप में। लेकिन आज की जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है अपने आप में ये कि जो एक बड़ी खबर, इस बड़ी खबर क्या है, वो बड़ी खबर दोस्तों ये है कि आज के समय में आज के दिन इस्तीफा दे चुके हैं स्टीव क्लार्क साहब ने इस्तीफा दे दिया है। और मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर जो है, जो हम लोगों ने कल बात की थी, मैं ज़रूर चाहता था कि हमारे साथ में कल मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों,
उस मुद्दे की जो कि हम लोगों ने आज हिंदी टाइम्स मीडिया पर आपके सामने रखा है, हाउसिंग स्कैंडल इन ओंटारियो, फ्रॉडस्टर टेकिंग एडवांटेज। हाउसिंग स्कैंडल का मतलब यह है कि जो ग्रीन लैंड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर ओंटारियो के ऑडिटर जनरल ने बयान दिया, उसके बाद में हाउसिंग मिनिस्टर के जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने इस्तीफा दिया, और आज की घटना यह है कि जो हाउसिंग मिनिस्टर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। क्या इससे आपकी चिंता कुछ बढ़ी है? मेरी तो बढ़ गई, क्योंकि उम्मीद हो रही थी कि चलिए, और इसके ये बड़ा प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे ही हाउसिंग मिनिस्टर डाउन हुए हैं, नए हाउसिंग मिनिस्टर आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बीच में जो मूल मुद्दा है जिसके ऊपर शुक्रवार को आप सभी लोगों ने कॉल किया, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, और हम मुझे देखना है कि हमारे गुरजीत गोसाल साहब कहाँ हैं, क्योंकि उन्होंने ही आज की बात भी कही थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ में। तो प्रवेश तनेजा जी आप आ जाएं अंदर, हम वो भी मैं एक काम करता हूं दोस्तों कि आज एक विशेष मेहमान हमारे पास में आने वाले हैं, और विशेष उनको उनसे बातचीत भी होगी, वो अपनी बात भी बताएंगे, और उसके बीच में मैं जरूर कहूंगा कि आपको एक मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इसके बीच में कि आप अपने सवालों के साथ में रेडी रहें, क्योंकि यहाँ पर उन सवालों के बीच में हम लोग आपसे बात भी करते हैं, और एक माइक हमारे साथ जो आए हैं शख्स उनका परिचय भी मैं दे देता हूँ। ये हैं प्रवेश जी, हमारे साथ में आए हैं। प्रवेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। जी थैंक यू। तो प्रवेश जी, मेरी आपकी मुलाकात हुई थी शनिवार के दिन। हाँ जी जी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको, अभी आप आए हैं, थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ आज के इशू का, सब्जेक्ट का, और वो आपसे ही ताल्लुक रखता है, क्योंकि शुक्रवार के दिन फ्राइडे के दिन हमने एक प्रोग्राम किया, जिस प्रोग्राम के अंदर में किस तरह से जो लैंडलॉर्ड हैं, जिनके जिन्होंने पूरी ज़िंदगी की मेहनत करके अपना एक मकान बनाया है किसी तरह से, और सोचते हैं कि चलो भाई ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसके अंदर से रेंट पर दे करके कुछ दो पैसे उनको मिल पाएंगे, और अपनी ज़िंदगी के अंदर में आज के इस टफ टाइम में, टफ फाइनेंशियल टाइम में कुछ आगे बेहतर कर पाएंगे। आप भी शायद उसी में से एक आते हैं। हाँ जी जी। और लेकिन आपके साथ जो घटना, दुर्घटना, या ये कहा जाए अपराध, आपके साथ जो क्राइम हुआ है, वो सुन करके मैं तो दहली गया था, और मुझे पता है कि शुक्रवार के दिन शायद आप दूसरे रेडियो प्रोग्राम में, दूसरे मीडिया पर भी गए थे। हाँ जी जी। तो आप, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी शनिवार के दिन, और जिसमें आपने पूरी कहानी हमें बताई। दोस्तों स्टूडियो का नंबर 905-601-1350। आपकी बात मैंने वहां पर की थी, अब आप लाइव यहां पर लोगों के साथ जुड़े हैं, और आपने आगे बढ़ करके, आप आगे बढ़ करके आए, बाकी लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि एक बार फिर से यहाँ पर जो हैं, और आप रेडियो में यहाँ पर क्यों आए हैं आज, क्या बात, क्या किस काम के लिए आए हैं? मैं आया हूँ कि बस लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, और वो उनको सबको अवेयर करने आया हूँ कि जो चाहे नए इमिग्रेंट आ रहे हैं या नए स्टूडेंट वगैरह आ रहे हैं, वो किस तरह से हमारी, हमारे ट्रस्ट का फायदा उठा रहे हैं और हमें यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो आप पूरी, अच्छा चलिए, अब मुझे नहीं पता, मैं यहाँ के हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए बताइए, पूरी कहानी अपनी बताइए कि क्या हुआ था। मैंने जुलाई में अपना मकान किसी को किराए पे दिया था जी, राइट। आए तो थे वो हस्बैंड वाइफ बन के, हम हस्बैंड वाइफ है, साथ में हमारी फैमिली है, हम रहेंगे पांच जने के लिए, मैंने उनको मकान रेंट पे दिया था, लेकिन उन्होंने मकान रेंट पे ले लिया, मैंने उन्होंने फर्स्ट मंथ का किराया भी दे दिया, तो मैंने उनको चाबी दे दी कि चलो स्टूडेंट हैं, बहुत यंग फैमिली है, तो इनकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने उनको ट्रस्ट करके उन पर चाबी दे दी। तो दो तीन दिन के लिए मैं कहीं बाहर चला गया था, तो वो ये 29 जून की बात थी जब उन्होंने उनको चाबी दी थी, राइट। तो मैं नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड था, तो मैं अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ बाहर चला गया था, तो जब मैं वापस आया, संडे को वापस आया, तो मैंने वहां जाके देखा, तो मैं वहां तो स्टूडेंट ही थे, कोई फैमिली थी नहीं, जो भी वाइफ वगैरह बन के आई थी या कोई गर्ल्स आई नहीं, वो तो वहां थी ही नहीं, वहां से स्टूडेंट ही थे। और वो मुझे कहने, पहले मैं उनको फोन करता रहा, फिर उनको वो घंटियां भी मारी, उन्होंने डोर नहीं खोला, तो जब मैं डोर खोलने लगा तो उन्होंने खोल दिया, कहता कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू कैन कम लाइक दैट। अच्छा, किसने कहा ये?
वो स्टूडेंट्स ने, उससे स्टूडेंट्स ने या अच्छा ये इंग्लिश, ये जो स्टूडेंट्स थे क्या उसके ये इनको जानते थे आप? नहीं, मतलब जिनको आपने रेंट पे दिया था वो लोग वहां पर नहीं थे, उनमें से एक जगह था जिससे बात हुई थी मेरी, बात हुई थी या। ओके, और उसके अलावा कितने लोग थे वहां पर मौजूद? वहां पर 8-10 जने थे। 8-10 जने थे। यस। और तो आप, उन्होंने कहा कि आप इसमें कैसे, तो आपने कहा नहीं कि भाई ये मेरा मकान है, मैं मालिक हूं। मैंने उनको कहा मेरा मकान है और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? इतनी वो कहने लगे कि नहीं नहीं वो हमारे फ्रेंड है। तो मैंने कहा तुम्हारे जो गर्ल्स वगैरह थी वो कहाँ पर है? वो कहते हैं वो काम पे गई हुई है, वो बाद में आएंगी। राइट। उसके बाद फिर वो वैसे मिसबिहेव करने लग गए, वो कहना कि आगे सब आप ऐसे नहीं आ सकते, जब भी आना मैं कॉल करके आना या वो कहना। ठीक। तो अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 2-3 बारी में गया, वो अंदर ही नहीं आने देते थे मेरे को, पांच डोर पे आके बात करते थे ताकि मुझे पता ना चले कि अंदर कौन कौन है और क्या हो रहा है, अंदर ही नहीं आने देते थे। और बार बार यही चीज की, हमें बार बार के तंग ना करो, आप ऐसे नहीं आ सकते। क्या आपको, आपको आपको आपकी जो प्रॉपर्टी, आपके रेंट वगैरह टाइम से दिए गए उसमें या दिया गया? नहीं, उन्होंने मुझे कागज का अभी तक नहीं दिया। अच्छा। और ना ही इस महीने का दे रहे हैं मेरे को। अच्छा, उनका क्या कहना है? उनका कहता है हमने नहीं देना, कर लो जो करना तुम्हें, जो करना है कर लो। इसमें आपने पुलिस और प्रशासन से मिलने गए होंगे? हाँ जी, उनसे भी गया, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारा ये सिविल मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बोले आपने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं कि LTB में जाओ, लैंड लॉर्ड और टेनेंट बोर्ड पे जाओ। तो जहाँ वो लैंड, जो टेनेंट ही नहीं है, जिन लोगों को आपने दिया ही नहीं जगह, वो कहाँ, वो कैसे टेनेंट हो गए? तो वहां पर पुलिस ने भी आपकी मदद करने से इनकार किया। हाँ जी। इसके अलावा आपने अपने MPPs और MLA से कोशिश की बात करने की? हाँ जी, मैंने सबको ईमेल की हुई है। हाँ। उनका भी यही चाहता, मोस्टली का यही जवाब है कि हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो टू द LTB। दोस्त, तो स्टूडियो का नंबर है 905-600-1350-905-601-1350। और मुझे इसके साथ में ये भी मालूम पड़ा कि आपकी वाइफ के साथ भी मिसबिहेव हुआ था जी, उसके बारे में और वो मैं उम्मीद करता था वो भी हमारे साथ में क्या जोड़ पाएंगी फोन? हाँ जी, वो भी आएंगी बाद में। फोन पर आएंगी? फोन पे आएंगी, फोन के ऊपर आएंगे। हाँ, तो मुझे बताइएगा, और उनको बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने स्टूडियो का नंबर उनको दे दिया होगा। हाँ जी जी, तो उनसे भी हमारी बात होगी। तो दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 905-600-1350-905-601-1350। ये जानकारी जब आप अपना रेडियो पे यहाँ पे आकर के हमारे साथ में बात कर रहे हैं, क्या लगता है आप, क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन से, और आपको क्यों लगता है जैसे कि आपके साथ में किस तरह से ये धोखा हुआ है? ट्रस्ट किया उन्होंने, कहा कि वो अपनी ID वगैरह सब कुछ दे देंगे, वो अपना सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे और रेंट वगैरह भी दे देंगे टाइम पर, वो कर देंगे। चाहे उन पर ट्रस्ट करके कि उन्होंने काफी फैमिली के लिए लिया, लेकिन पीछे से स्टूडेंट आ गए। अच्छा, आपने अब इसमें कुछ लेसन्स आपने जरूर सीखे होंगे, तो आपका, आपको एक तो आपका ये कहना कि भाई ट्रस्ट करना आंख मूंद करके गलत है। हाँ जी। तो उसके पहले प्रिकॉशंस, मतलब जो किसी को भी रेंटल प्रॉपर्टी अगर आप दे रहे हैं तो इसमें जो सावधानी होनी चाहिए रखनी चाहिए। एक कॉलर भी हमारे साथ में जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका अपना रेडियो में जी। हेलो तिवारी जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार तिवारी जी। देखो ऐसा है, महंगाई बढ़ गई है बहुत, ठीक है जी जी। चाहे वो आपको उसका दिक्कत हो, बोलने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उधर प्रधानमंत्री जी से डग फोर से लेके हाउसिंग मिनिस्टर से लेके क्लर्क, रियल स्टेट, मॉर्गेज बोर्ड, सारी दुनिया घपला करने में लगी हुई है, ठीक है जी जी। चाहे वो किसी भी लेवल का धोखाधड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। तो जब ऐसा होगा तो जो नया स्टूडेंट आ रहा है ये बेवकूफ नहीं है, ये भी कुछ ना कुछ घपला करेगा, ये भी कुछ धोखाधड़ी देगा, ठीक है जी। अब सारी दुनिया जिसको जहां पे जो लपट मिल गया ना उसको, उसने वहां पे उसे लपेट लेना है। देखिए अब जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और आप, आपका जी, मैं लेकिन यही बात वक्त की सच्चाई है। नहीं चलिए, आप कह रहे हैं आपकी बात को, मैं, मेरा एक सवाल आपसे और बनेगा, आप बने रहिए, हम बने रहिए, मेरा एक सवाल आपसे बनता है गुरजीत गोसल जी।
आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ में प्रवेश जी आए हुए हैं, इनकी वाइफ को, इनकी वाइफ के साथ में दोस्तों इतना बुरा सलूक हुआ और जो कि उम्मीद नहीं कर सकता था मैं, वो आई थी स्टूडियो में और अभी हमारे साथ में और जुड़ेंगी फोन के ऊपर के साथ में, इनकी वाइफ को हथकड़ी लगा करके अस्पताल में लेके गया, ले जाया गया और ये रात वो शाम इनके साथ कितनी भारी गुजरी होगी इसकी सिर्फ कल्पना आप कर सकते हैं कि और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अगर पीड़ित किया जाता है तो बहुत तकलीफ की बात होती है। गुसल साहब आप क्या कहेंगे? तो आड़ी भैया ना, जब से कोविड शुरू हुआ एक बार कोविड में मजारा किया था ना कोर्ट के बार में, एक बार जब हमारे टोरंटो में टोरंटो में नगर कीर्तन था उस रोज किया था, दो बार मजारा कर चुके हैं कोर्ट के आगे में, जहां कोई सुनवाई नहीं। वो बोलते हैं डाक फोड़ को ईमेल करो, अपने एमपीपी को करो, है ना। इन्होंने अपने एमपीपी से बात किया जो इनके हल्के में पड़ता है। आप बताइए। हाँ जी, किया मैंने एमपीसी से अपने, उनका भी सेम जो अभी था। क्या जो आपके एमपीपी है उनका नाम क्या है? किस इलाके में है आप? वार्ड नंबर 7 और 8 में। वार्ड नंबर 7 और 8। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कई बार नहीं नाम ही होता। ओके, नाम नहीं जी, आप क्या, आप और क्या पूछना चाहते हैं? ये जो जो हमारे ना एमपीपी चुने हैं उनकी ड्यूटी है ये काम करने की, है ना जी। जो ये लफड़ा है दिन पर दिन बढ़ रहा है, आज किसी के इनके साथ में कल किसी के साथ भी हो सकता है जी, है ना। क्योंकि हमें एक होना चाहिए सभी लोगों को। बिल्कुल सही बात है, एक साथ है ना, इनका हेल्प करना चाहिए और घर के आगे मजारा करना चाहिए। जो एमपीपी है उनके घर के आगे भी करना चाहिए, जो एमपीपी चुना हुआ है उनके घर के आगे हमें इकट्ठे होकर जाना चाहिए कि भाई आप हमारे हलके से आप हमारा बात करो, है ना। क्योंकि क्वींस पार्क तो वो ही जाके तो बिल पास करेंगे, वो ही लाएंगे, है ना कानून। मैं आपकी बात समझता हूँ, मैं आपकी बात पूरी तौर पे इस बात को समझता हूँ कि इस लिहाज से है, लेकिन एक जो मेजर मुद्दा है हाउसिंग क्राइसिस का, जिसके जिसके सभी लोग शिकार है, जैसे हमारे साथ में जो हमारे श्रोता जुड़े हैं 4807 से, उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि एक लोगों के भीतर एक नाउम्मीदी आ रही है, क्योंकि फूड सरकार ये ग्रीन लैंड स्कैम में बुरी तरह से फंस गई है, जिसमें आज की तारीख में ये जो जानकारी हमारे पास में आया ये है दोस्तों, स्टीव क्लार्क तो दे चुके हैं इस्तीफा, लेकिन उसी के साथ में एक बात और भी है कि जुड़ चुके कि अब जो नए हाउसिंग मिनिस्टर हैं पॉल कैलेंड्रा होंगे। हमारे साथ में बलदेव जी भी जुड़ गए हैं और साथ में एक और कॉलर हैं 4629 से जुड़े हैं जी। बोलिए। नमस्ते सर जी। हेलो, हाँ थोड़ा तेज बोलिए। हाँ जी सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जी, स्वागत है। ये जो इनके आए हैं वो स्टूडेंट, ये उनकी आईडी क्यों नहीं मीडिया पे लगा? इन्होंने मीडिया में लेके आए, मीडिया में ही है, अभी आप रेडियो के ऊपर उन्हें सुन रहे हैं, तो यही वो कर सकते हैं, वही ये कर रहे हैं कि आप हमारे बीच में आए, हमारे साथ में आए हैं, यहाँ पर मीडिया में ही लेकर के आए और इसीलिए आज से सबको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पूरी घटना जब मैंने सुनी तो मेरा भी दिल दहल गया कि एक इनका मकान बुरी तरह से, जिसके अंदर लोग, जो इन्होंने बताया मुझे एलिजली कि वहां पर शराब पी रहे थे लोग और जिनको दिया था वो लोग गायब थे, बाकी दूसरे लोग घरों के अंदर थे, और सबसे दुख की बात यह कि जहां जहां इन्होंने जाकर के दरवाजा खटखटाया कि भाई मदद कीजिए, वहां इनको मदद नहीं मिली। बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये तो गुंडागर्दी होगी ना जी। इनको इन्होंने मकान दिया, वो वहां पे नहीं रहते, कोई और रहता है, 8-10 लोग वहां पर, और पूरा जो उन्होंने बताया बड़ी गंदगी थी वहां पर जी। वही है सर, वहां पे हो सकता है उन्होंने आगे क्या कोई इलीगल काम करते हो वहां पे, इनको अंदर लो नहीं कर रहे हैं वो जी, तो और 8-10 बंदे रह रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है जी, हम कहाँ बैठे हैं? ये तो वो भी बिहार यूपी से भी बढ़ के काम हो गया जहाँ पे, वहां पे जैसे वहां पे भी फिर कोई ला ऑर्डर हो गया जहाँ पे, तो है ही नहीं कुछ सर। बिल्कुल, कुछ ऐसे ही हालात लग रहे हैं, कुछ ऐसे ही हालात लग रहे हैं। हम सभी इकट्ठे हो गए इनके जी। मैं तो कहता हूँ सभी इकट्ठे होके इनके घर पे आप वहाँ पे लाइव इनको इनकी लाइव पिक्चर शो करते हैं हम। हाँ ये चलिए, आप आइए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए, आप ये चाहते हैं कि उस घर के सामने हम लोग कैमरा लेकर के पहुंचे? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर, लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो भी आए, उनको भी समय निश्चित करते हैं, और वो भी अवेयर हो कि क्या हो रहा है जी, और ऐसे लोगों को तो पता चलना चाहिए कि आज कौन से लोग हैं, क्या है जी। जी एक सेकंड, आप ऐसा करें, हम
हम सभी आते हैं आपके साथ चलते हैं, कैमरा लेके वहाँ पे चलते हैं, मीडिया को लेके चलते हैं वहाँ पे। चलिए आपका शुभ नाम, पहले तो अपना नाम तो बता दीजिए और मेरा नंबर चाहे तो बिल्कुल नोट कर लीजिए सभी। जोगा सिंह जी तो मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, मैं भी आपका नंबर नोट कर ले रहा हूँ। और जो है वो दोस्तों, और मेरा नंबर है डायरेक्टली 416-839-2486, 416-839-2486 नंबर है मेरा, के साथ है। और मैं कहता हूँ आपको, जब इनको बोलो जब भी आपको हमारी जरूरत है हम खड़े हैं जी। चलिए बोलिए, कब जाना चाहते हैं, अब बात की बात हो रही है। बोलिए प्रवेश जी, बोलिए प्रवेश जी। इस वीकेंड पे, मतलब आने वाले वीकेंड पे जाना चाहते हैं, आने वाले वीकेंड पे शनिवार को। हाँ शनिवार को जी, चलिए तो शनिवार। हाँ ठीक है, छुट्टी वाला दिन है, ठीक है हम भी साथ हैं। चलिए बलदेव जी भी चलेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को, आप सभी लोग जो लोग सुन पा रहे हैं, अन्याय के लिए जब आपको आपके एमपीपी मना कर दे, जब पुलिस मना कर दे, जब आपको काउंसलर आपको मना कर दे, तो वहां पर मीडिया खड़ा होता है। खड़ा हूं हम वैसे भी आपके साथ में कि बिल्कुल गलत है। अगर आप जो आपने प्रूफ दिए हैं, जो आपने बात की है, इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। हमारा काम सेंसेशनलाइज, एक अंग्रेजी का शब्द है, सेंसेशनलाइज करना वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है मुद्दे को लोगों तक ले करके जाना, मुद्दे साल हो सके जितना भी हो सकता है। एक और कॉलर है, बलदेव जी आप बोलिए। जी बोलिए। मैं बोला जी, बोलिए। देखो तवाड़ी से भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी मीडिया का, जो मुद्दा उठाया ना जी। हेलो जी जी, बोलिए जी। जी जी मैं सुन रहा हूँ। चट्टे में पूछ लगे बह गए, अभी ये साथ खड़े हैं अपने पंजाबी मीडियम छड़ के, आप थोड़े ना चलेंगे उससे, जाओ मजारा करेंगे सैटरडे। बिल्कुल सैटरडे को हम चलेंगे। और आप मेरा सभी कदम करना, कितने बजे करना है जी? जी बिल्कुल, मैं जानकारी दे दूंगा और सब नंबर, बिल्कुल मेरा नंबर जिनके पास में नहीं है वो नोट कर लीजिए, 416-839-2486, 416-839-2486 पे। रेडियो पर फोन किया था और बंदा कहना मेरा फोन ला लो, डरते पता नहीं क्यों। अगर मीडिया भी डरने लगा तो लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का क्या होगा? हमारे मीडिया देसी मीडिया नहीं है, बिजनेस है। चलिए अब बिजनेस तो सभी। चलिए एक और कॉलर है, संतोख जी, संधु जी। जी बोलिए संधु जी। जी जनाब, आप जो आपका मुद्दा है वो अच्छा ले आ रहे हैं, मगर जो आप कदम उठा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल बोलिए क्यों। देखिए मेरा कदम, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी हो सबको इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे बुरा इस बात का लगा है। इस बीच में एक हफ्ते का समय, मैं एक छोटी सी बात बोल दूं, पहले अपनी आप बात बोल दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा जी। हाँ सिटी में, ब्रैम्पटन सिटी में और भी बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, आप कहाँ कहाँ मुजाहरे करवाओगे और कहाँ कहाँ जाकर बैठोगे और कहाँ कहाँ लोगों के ऐसे लड़ाई बड़ाई के बीच जाओगे, राइट? तो फिर तो जो मीडिया के हाथ में आ जाएगा कि कहाँ उसने मजारा कराना, कौन से मुद्दे को उभारना, किसी को नीचे करना, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर मीडिया ऐसे मजारे कराने लग जाएगा तो नहीं, मजारे तो नहीं, मेरा देखिए हमारा काम जी। आप चलिए संतोख जी, आपसे बात करते हैं, अगर वहाँ कोई लड़ाई हो जाती है, आप बिना प्रशासन को बताए वहाँ मुजारा करने? नहीं नहीं, बिना प्रशासन को बताए कोई नहीं जाएगा, हम बिल्कुल बताएंगे कि भाई बिल्कुल बताएंगे। सुनिए संतोख जी, आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको क्या पूरी घटना इनकी, प्रवेश जी की पता है? अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। मेरे को पता है, आपने काफी बारी बता दी है, वो बहुत गलत हुआ है। इनकी वाइफ को सोचिए, इनके बेटे की, सुबह 6:30 बजे सर्जरी थी, ठीक है? और साल भर में एक बार सर्जरी का, जिस ट्रामा से गुजरेंगे, मेरा जो शिकायत और सवाल जो प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, इन सब से, वो ये कि ये क्रिमिनल केस बनता है, ये सिविल केस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एक इनके घर के अंदर में जो ये बता रहे हैं उस हिसाब से इनके घर के अंदर में वो लोग घुस के रह रहे थे जिनको इन्होंने ऑथराइज नहीं किया था, नंबर एक। नंबर दो, उसी एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए पूरी। अरे सर मैप बने हुए हैं, सुन लीजिए बात, जो मुद्दा कर रहे हैं उसी के ऊपर, और हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। नंबर दो, उसके साथ में जब ये वहां पर गए, इनको जो रेंट और पेमेंट वो भी नहीं दिया, घर को जो गंदा रखा। एक आपके घर में कोई इलीगली प्रवेश कर जाए, ब्रेक इन एंटर हो जाता है, तो आपको उसमें अगर कोई आपके घर में आके कब्जा कर लेगा, ये कब्जा ही हुआ इनके घर का,
तो उस कब्जे की सूरत में पुलिस का काम है कि भाई जिनके पास में लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स हैं, लीज साइन है, वो तो बात हुई, वहां पर जो लोग हैं जिन्होंने साइन किया, साइन जो लोग जिन्होंने बात की थी कि भाई हम इस घर में रहेंगे, वो तो गायब है, 8-10 लोग दूसरे आके कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से तो आपके घर पे कल कब्जा होगा, तो फिर आपको भी, तो ये एक बिल्कुल, ये इसी लिहाज से जो मुझे इनकी बात सही लग रही है, एक सप्ताह के दौरान में पूरी हम कोशिश करेंगे कि एमपीपी से लेकर के पुलिस प्रशासन से लेकर के ये सारे के सारे लोग इसको रिजॉल्व करें। नहीं करेंगे तो उन लोगों से पूछा जाएगा कैमरे के सामने कि भाई आप कौन हो लोग, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या देखिए लॉ कानून और शांतिपूर्वक, मीडिया का काम है कि अपनी सच को, और ये हमारी ड्यूटी है। मैं यही कहता, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मैं हर जगह पर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जहां जा सकते हैं बिल्कुल जाना पड़ेगा हमें, जहां जा सकते हैं जा जरूरी जाएंगे। जी बोलिए, और कोई बात? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इनका रेंट पर देने का प्रोसीजर है ना, वो बहुत गलत है। जी हम भी सभी लोग रेंट पर प्रॉपर्टी देते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई आईडी भी नहीं ली, कोई लीज नहीं लिखी, कोई फर्स्ट एंड लास्ट नहीं लिया तो आपने चाबी पकड़ा दी, ये सबसे पहले नहीं फर्स्ट और लास्ट बिना लिए। देखिए जब कोई अंदर आ रहा है, इन्होंने पैसे लिए, ई ट्रांसफर हुआ जो इन्होंने मुझे बताया, लेकिन अब कई बार हम अपने देसी लोग, हम लोग भरोसा करते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने शुरुआत में अगर आपने पूरी बात सुनी की, उन्होंने कहा कि मैंने ट्रस्ट किया, ये मेरी गलती है, ये मैं आप कह रहे हैं, और ट्रस्ट जो है क्योंकि रेंट देना एक बिजनेस है, बिजनेस में ट्रस्ट नहीं चलता जी। एक और वो गलती है मेरी भाई साहब, वो गलती है मेरी कि मैं ट्रस्ट किया, लाइक आगे से, लेकिन लेसन तो यही हुआ ना कि आगे से मैं किसी भी ट्रस्ट ना करूं, चाहे वो सही बंद हो क्यों ना हो, ठीक है ना। नहीं, नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना, मैं किसी पे ट्रस्ट ना करूं, किसी को वो ना करूं। चलिए एक और, तो अगर आप भी मेरे पास आएंगे तो मैं आप पे भी ना ट्रस्ट करूं, चाहे जितने मर्जी सही बंदे हो, जो पेपर कार्रवाई होती है ना जो, अब आपके पास तो कोई, जब आपके पास आईडी नहीं है, आपको पता ही नहीं, नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे मत सोचिए, सुनिए नहीं ऐसा कुछ नहीं, इनके पास में जो प्रूफ है वो मैंने देखे हैं, एक एक चीज का इन्होंने प्रूफ दिया हुआ है, बताया हुआ है, गलत जो गड़बड़ है वो वहां पर दूसरी जगह पर। मेरे पास में एक और कॉलर है जिनका नंबर आ रहा है 0603, स्वागत है आपका। मनी जी, मनी जी स्वागत है आपका। हाँ जी जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी बहन जी, अच्छा हाँ जी। मैनी जी बोल रही हैं। दोस्तों हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो मैनी जी जो हैं, ये प्रवेश जी की वाइफ हैं, और इनके ये लोग मेरे स्टूडियो में आए, हिंदी टाइम्स मीडिया के ऑफिस में आए, वहां पर मेरी इनसे बातचीत हुई, और ये अपनी खुद की हालत बताएंगे कि क्या हुआ था इनके साथ में। मैनी जी, जब आप गए थे वहां पे, आप और आपके हस्बैंड गए थे, और वो हिस्सा बताइए कि जिसके अंदर में आप, मतलब पुलिस इन्वॉल्व हुई, क्या हुआ था उस समय पे? हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ कि उस टाइम मेरे, जब मैं वहाँ पे गई, पहले मेरे हस्बैंड को इन्होंने मना कर दिया कि हम रेंट नहीं देंगे जी, उनको बाहर निकाल दिया जी। फिर उसके बाद मैंने जब मैंने उनको कॉल किया, रास्ते में काम से घर आ रही थी, क्योंकि मैंने 12 से 9 शिफ्ट की और घर पे आ रही थी, तो मैंने उनको कॉल करना शुरू किया, क्योंकि गार्बेज डे था जी। मैं ही उनका गार्बेज रख रही थी। अच्छा, आप उनका गार्बेज भी रखने जाती थी? क्योंकि नेबर कंप्लेन कर रहे थे कि गार्बेज से बहुत बड़ी स्मेल आती है, गर्मी के कारण टू मच स्मेल हो रही थी वहाँ पे ना जी। तो मैं गार्बेज, ट्यूजडे था उस दिन, मैं गार्बेज रखने आ रही थी, और तब मैंने उनको बोला कि, मैंने उनको कॉल किया कि मैं आ रही हूँ, ये डोर खोल दें, पर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया और दोनों ने तो ब्लॉक कर दिया जी। देन मैं फिर जब मैंने बेल मारी तो उन्होंने बेल मारने पे भी नहीं खोला जी डोर। जब मैंने जब चाबी लगाई एकदम से तो वो उन्होंने खोल दिया जी। देन मैं अंदर जाके मैंने उनको बोला कि मुझे करण से बात करनी है, जिस लड़के से मैं बात करती थी मोस्टली जी। तो मैं यहीं बैठी हूँ, जो करना है मैं यहीं बैठूंगी, उसको बुलाओ पहले जी। फिर उन्होंने वो मेरे साथ ऑकिंग, तू अंदर किदा आई, तेरी हिम्मत किदा हुई अंदर आन दी? मैं मेरा घर आ, मैं जदों मर्जी अंदर आ सकदी हां, तुसी मैनूं कहा सी कि असीं तुहानूं रेंट पे कर दिंदे हां ते तुहानूं एक महीना होर रहण दो। मैं कहा मेरे बेटे दी हालत बहुत खराब है, लाइक ओनूं सवेरे मॉर्निंग 6 बजे मैं लैके जाना, मैं देखो किथे धक्के खा रही हां तुहाडे नाल। फिर मैं ओनूं अपनी सिचुएशन ईमेल सारियां दिखाईयां कि मैं कोई झूठ नहीं बोलदी, पर इह शरीफगी थोड़ी। मैं उन्होंने ये भी अग्गे कहा, मैं कहा तुहाडे मां पे तुहानूं मेहनत करके भेजदे आ, इस करके कि तुसी किसे नाल बेईमानी करो। मेरी मां
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੁਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੁਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੋ तो मैं उस टाइम इतनी अपसेट थी मैंने उस टाइम मुझे मैं किचन के पास गई वहाँ पे नाइफ पड़ा था मैंने कहा मैं आज मैं अपने आप को कुछ कर लेना तो मैं जाऊंगी नहीं जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा जी तो तीन लड़कों ने मुझे घेरा हुआ था मैंने कहा मैं सोफे पे बैठी हूँ कुछ करना है मेरा कर लो मैं यही जब तक वो बात नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगी जी तो उसके बाद वो नीचे आए धीरे धीरे करके सारे लड़के नीचे आने लगे जी। तो वो लड़का भी आया तो लड़का पास खड़ा था मैंने उसको कहा करण मैंने तुझे अपनी अपनी सिचुएशन ए से लेकर जेड तक बताई थी ना मैंने तेरे पे ट्रस्ट किया और तू मेरे साथ क्या कर रहा है ठीक ठीक फिर उसने कहा उसे सारे बोलने लगे कि जी पुलिस का कब इन्वॉल्वमेंट हुआ वो थोड़ा सा बताइए जी हाँ जब उन्होंने कहा कि तू करना जो कर ले मैं कहा मैं आज कुछ अपने आप को कर लूंगी और मैं फिर तुम्हें पता चलेगा देन उन्होंने मेरी वीडियो बना के 911 कॉल कर दी ठीक फिर जब 911 कॉल की तो मैंने भी कॉल की 911 उसके बाद मैंने जब 911 कॉल की तो उन्होंने कहा तुम बाहर आ जाओ तो हम तू अब अंदर नहीं खड़ी हो सकती 911 वाले कहते मैंने कहा इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया वो कहते हैं यू कैन नॉट डू एनीथिंग तो मैं बाहर आके खड़ी होगी तो उन्होंने वो वीडियो 911 वालों को दिखाई फिर उसके बाद मैंने सब बताया पुलिस वालों को कि जो ये फ्रॉड करके अंदर आए हैं उन्होंने मुझे कहा था कि मियां बीबी है पर ये कोई और ही जी, जी, जी। पर उस पुलिस वाले ने मेरी एक बात नहीं सुनी वो कहता चोर सवाल पूछते हैं वही बताओ बस जी, जी। ये कब आए कैसे आए उन्होंने कहा तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है हाँ जी फिर अंदर तुम्हें जाना लेके जाएंगे हॉस्पिटल तो मैंने कहा मैंने कोई क्राइम नहीं किया तो उन्होंने मुझे लिया और मुझे हथकड़ी लगाई हथकड़ी लगा के आपको अस्पताल लेके गए या अच्छा तो वहां से फिर आप उसके बाद में जो मुझे जानकारी आपने बताया था हमारे साथ में स्टूडियो में इंटरव्यू में कि रात के समय में उसके अंदर किसी तरह से आप 2:30 बजे हॉस्पिटल ने आपको ओके कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको मेंटल हेल्थ की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कहा हाँ जी नहीं ओके आपको क्लियर किया उसके बाद में आप अपने घर पे आए फिर अपने बच्चे का ऑपरेशन था उसके लिए गए जी बहुत बहुत शुक्रिया मैनी जी आपने अपनी बात कही ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये बहुत बड़ी देखिए जो एक एक करके मैं चाहूंगा बोलिए मेरे पास में एक कॉल नंबर है 6599 से बोलिए हाँ जी भाई साहब ये जो बैल जी बोल के गए इससे पहले जो बोल रहे थे वो इनकी गलती है मेरा ख्याल वो जो ग्रुप नीचे कब्जा किए हो उनमें से होगा कोई ना कोई नहीं कोई भी हो देखिए उनको हर एक को अपनी बात कहने का हक है मुझे नहीं पता कौन है मेरी बात सुनो ठीक है इन्होंने ये गलती इनसे हो गई भी इन्होंने एग्रीमेंट नहीं लिखाया तो इसका ये तो नहीं मतलब वो कब्जा करके बैठ जाए अब इनको डराना धमकाना शुरू कर दे बिल्कुल 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 मतलब एक लेडी के साथ ज्यादा सलूक करें मुझे दुख है इस बात का गुस्सा इस बात का कि जो सिस्टम ने मतलब पुलिस अधिकारी का ये काम था कि उनके पास में जब कोई पेपर नहीं तो आप किसी की प्रॉपर्टी में हो दे डिड नॉट हैव द लीज उनके पास लीज नहीं थी उनको देखना चाहिए बिल्कुल कैसे अंदर आ गए बिल्कुल सही कहा आपने और हमारे पास में माल्या साहब का नंबर है माल्या साहब क्या कहेंगे एक आपको जी मालिक हाँ बोलिए किया था वो दो शराबी वेलफेयर पे थे है ना तो उन्होंने क्या किया चार पांच और बंदे आके अंदर शराब पीनी शुरू कर दी तो मैं क्या भी ये आदमी कौन है तो मैं क्या मैंने उनको बोला भी मेरी बेसमेंट खाली करो मुझे भी आपको देनी है एक मुझे कानून बताने लगा कोई तीसरा थर्ड बंदा था जी बीच में मत बोलिए प्लीज बीच में अपने आपको अगर आप जी हाँ अच्छा ये थर्ड बंदा था वो मुझे कानून बताने लगा जी मैं समझ गया जी उसने निकल डाली थी मैं उसको पकड़ के लाके फुटपाथ पे खड़ा जी प्रॉपर्टी में एंटर किया मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरी जी बिल्कुल ठीक हाँ। अब जी बिल्कुल हाँ। सही है तो सबसे ये सवाल अपने आप में बहुत वैलिड है अब माल्या साहब आप क्या कहेंगे उसके बाद में मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा जी बोलिए दो बातें करूंगा जी बोलिए तो मैं वो लास्ट कॉलर की बात करूंगा जी हो रहे हैं पैसे और भी क्राइम है सिटी में हाँ। तो ऐसे अगर हम चुप करके बैठे रहेंगे जी तो फिर तो ये बढ़ेगा ये और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कब्जा होगा जी अगर हम पब्लिक में लाएंगे नहीं ये बात को तो वो और घरों में भी कब्जा होगा बिल्कुल होगा बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं बाद मैं इनकी बात कर रहा हूँ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जी ये बताएं हाँ।
अभी ये सामने एक केस है, पता नहीं कितने केस हैं जिन्होंने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, एक साल की वेटिंग है वहाँ पे, ये एक साल बैठे रहे हाथ पे हाथ रख, नहीं हाथ पे हाथ रखे, अगर इनको रेंट नहीं मिलेगा इनका तो घर बैंक ले तो लेके जाएगा घर। यस बिल्कुल, और ना कोई एमपीपी इनके हेल्प कर रहा है, हाँ। ना कोई पुलिस हेल्प कर रही है, तो ये क्या करेंगे। चलिए तो हम सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, ये सबको हाँ मदद कर शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। जी बोलिए। जो प्रॉपर्टी है ना मैं वहाँ पे रहता हूँ। अच्छा आप वहाँ आसपास में रहते हैं, तो वहाँ पे इनकी वजह से वहाँ पे इतना पूरा मोहल्ला दुखी है, इतनी कोई गार्बेज नहीं रख रहे बाहर, इतनी बदबू है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, अगर आपको पिक्चर भेजूँ मैं गार्बेज की, वहाँ आप बिल्कुल भेजिए, मेरा नंबर नोट कीजिए 416-839-2486 416-839-2486। मैं तो कहता हूँ अगर ये खुद नहीं कुछ करेंगे तो मेरे हाथों से किसी का हो जाएगा काम। अरे नहीं मैं जी जी हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे भाई, पैसा हासिल जी जी मैं जी ऐसा नहीं बोलिए कुछ करते हैं जी, तो इकट्ठे होके जी जी जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में जो बोला है उसको बोलना भाई, सिटी में अगर सिटी में जो कारें चोरी हो रही है उस पर क्या रोक लगी। नहीं नहीं ठीक है वो जी जी मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास में ज्यादा नहीं है, मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें इसी के साथ में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, ये पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद में आपके सामने क्विकली जुड़ते हैं। जेकर करते हो अपनी मां बोली नाल प्यार, फिर किवें करोगे अपना रेडियो हिंदी टाइम्स तो इनकार। तुसी सुन रहे हो अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM रेडियो हमसफर ते। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांचों मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकेंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए पांशु मान को 416-302-5776 416-302-5776। मामा इस बार मैं भी कृष्णा मनूंगा, और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर, और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैंडन कोर्ट इन ब्रैंटन 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcbc.info और 384 Finley Ave इन Ajax 289-372-3330 और acbc.info। सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स एट 1350 AM। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में दोस्तों वाकई प्रीत पर्दा चुकन तो दिल ही नहीं करता। दोस्तों पर्दा तो हमें उठाना पड़ेगा, वो भी सच्चाई जो है झूठ के द्वारा जो ढकी गई है, लेकिन हमारे पास में समय बहुत कम, उस समय के हिसाब से मैं दो चीजें कहूंगा आपके आपके लिए पूरी तौर पर, वो ये एक तो आज का जो प्रोग्राम है आप तक पहुंचाया गया है इंडिया सजावट पूजा हट के द्वारा, जन्माष्टमी दोस्तों मात्र 2 दिनों के अंदर है, यहां पर जाकर के आप कृष्णा फ्रेम, कृष्णा कॉस्ट्यूम, कृष्णा ज्वेलरी, कृष्णा मक्खन मटकी, झूला, मुकुट, लड्डू, गोपाल ड्रेसेस, फ्रेश ऑर्गेनिक मक्खन और मिश्री और प्री पैक्ड, ये सब चीजें आपको प्री पैक्ड मिलेंगी वह इंडिया सजावट पूजा हट से, जो कि ब्रैम्पटन में 31 मेलनी ड्राइव पर स्थित है। आप वहां पर जरूर जाइए, अपना रेडियो का हवाला दीजिए, और वैसे भी आप पहुंचे अपने आप में एक ऐसी शानदार जगह है। मैं समय हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है, जाते जाते कोई कुछ कहना चाहेंगे आप, वैसे आपको सबको आपको सपोर्ट मिला जी क्विकली। जी ऐसे मेरे साथ हुआ है, ऐसा मैं चाहता हूँ कि किसी और के साथ ना हो जी।
आजकल ये काफी चीजें हो रही है लेकिन कम ही लोग आ रहे हैं तभी है। नहीं, 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 आपको इतना समर्थन मिला है और मैं सभी से यही कहूंगा दोस्तों कि जिस तरह से प्रवेश जी ने हिम्मत की वैसे ही आपकी भी कोई समस्या हो आप उठाएं। मीडिया का काम है हमारा आपकी समस्याओं को लेके आना और आपको बताना भी। अब यहां से लेते हैं विदा और गुलदस्ता के साथ में आ रही है ग्लोरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोरिया जी। और वाके प्रीत पर्दा चुकन नु तो दिल ही नहीं करदा। ए पर्दे लगवाए कित्थों ने? ए पर्दे आए ने HD ड्रेपरीज हाउस वालियां तो। HD ड्रेपरीज हाउस जिथे अवेलेबल ने ब्लाइंड्स ड्रेप्स रोलर शेड्स कॉर्नर्स हेडबोर्ड बेडिंग लाइनिंग एंड कस्टम मेड। वधेरे जानकारी दे लई कॉल करो दीप जी नु। HD ड्रेपरीज हाउस 9418 गोर रोड ब्रैम्पटन 9059158787 9059158787 जेकर तुहानू भी है ट्रकिंग इंडस्ट्री विच जॉब दी पाल ता ट्रकिंग इंडस्ट्री मेगा जॉब फेयर लेके आया है बहुत सारी जॉब्स अपने नाल। पियर्सन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन विच जिथे होवेगा ट्रकिंग इंडस्ट्री मेगा जॉब फेयर। टॉप लीड्स हायर करेंगे AZ DZ BZ G लाइसेंस ड्राइवर्स नवे ते एक्सपीरियंस ड्राइवर्स ओनर ऑपरेटर्स ट्रक एंड ट्रेलर मैकेनिक्स डिस्पैचर्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स शिपिंग एंड रिसीविंग फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स ले सुनहरी मौका। ट्रकिंग इंडस्ट्री मेगा जॉब फेयर 23 सितंबर दिन शनिवार नु सवेरे 8:30 बजे तो 4 बजे तक फ्री एंट्री फ्री पार्किंग ते लक्की ड्रॉ भी। वधेरे जानकारी ले या एग्जिबिट करने ले कॉल करो 647 818 2121।